ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से जहां एक और हिमाचल विकास की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं इसका दूसरा पहलू भी है जिसमें इन्हीं उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों जो हिमाचल के विकास की इबारत लिख रहे हैं उनका डटकर शोषण हो रहा है। ऊंची रसूख रखने वाले उद्योगपति बिना किसी कानूनी डर के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गरीब और लाचार कामगारों का जमकर शोषण कर रहे हैं, मानो जैसे वे एक बंधुआ मजदूर हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला सोलन के बड़ोग में स्थित एक निजी फार्मा कंपनी का है जहाँ कामगारों से कार्य तो करवाया जा रहा है लेकिन पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिया गया है। गरीब असहाय कामगार में जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से जहां एक और हिमाचल विकास की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें इन उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों जो की हिमाचल के विकास की इबारत लिख रहे हैं उनका डटकर शोषण भी हो रहा है। ऊंची रसूख रखने वाले उद्योगपति बिना किसी कानूनी डर के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गरीब और लाचार कामगारों का जमकर शोषण कर रहे हैं। गरीब असहाय कामगार जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, वे बकाया वेतन लेने के लिए ना तो जॉब छोड़ पा रहे हैं और ना ही विरोध कर पा रही हैं और घुटघुट कर जीने के लिए मजबूर हैं। आज इटक के बैनर तले उद्योग के बाहर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया। महिलाओं ने दिल का दर्द जाहिर करते हुए रोते बिलखते हुए कहा कि वह 6 माह से वेतन न मिलने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की स्कूल फीस और राशन उधार लेकर ही चलाया जा रहा है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से इस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा अकेली रहती हूँ और मायके में रहती हूँ, एक बेटा है उसमें भी उसका भी गुजारा करने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा गुजारा यहीं से चल रहा है और ये सैलरी दे नहीं पा रहे, इस करके उसकी दवाई दारू राशन पानी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। घर में राशन पानी के लिए भी पैसे नहीं है, ऊपर से मेरा बेटा बीमार ही रहता है जिसके कारण यहाँ से वो मिलती है। जिसके कारण मेरा बड़ी मुश्किल से चल रहा है और हम सैलरी मांगने जाते हैं तो ये बोलते हैं दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे करके बहुत दुखी कर दिया। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिल जाए हमारे को और हमारा सारा मतलब ढंग से हो जाए, जो भी चाहते हम सैलरी भी अपना सारा कुछ हिसाब किताब भी। सैलरी यहाँ दे रहे हैं टाइम से, 6-6 महीने हो गए, 5-5 महीने 6-6 महीने हो जाते हैं कोई सैलरी नहीं मिली। यहाँ हमारे को मुश्किल आ रही है, घर से हर रोज आते हैं हम भी, चलो सैलरी मिलेगी, पर यहाँ सैलरी नहीं मिली। MD से बात करते हैं तो वो बोलते हैं दे रहा हूँ कर रहा हूँ पर वो कोई सैलरी नहीं दे रहे हमारे को। रोज रॉबिन नाम है इस कंपनी का, इसमें वर्कर 30 से 35 वर्कर है। मेरा नाम मीना है, मेरे 3 बच्चे सर, मेरे हस्बैंड ने, मैं यहीं से गाना गुजारा करती हूँ, पर यहाँ टाइम से सैलरी नहीं मिलती और किराया कभी कभी किराए के लिए पैसे भी नहीं होते, घर में राशन वगैरह भी नहीं होता, फिर मेरे मामू वगैरह कर देते। मेरी हालत थोड़ी बहुत, थोड़े दिन पहले मैं बीमार थी तो मामू जी ने किया सैलरी मांगने जाते तो कल परसों के लिए बोलते हैं कल परसों हो जाएगी, पर करते नहीं है बस। मेरा नाम देवराज शर्मा है, मैं इस कंपनी का वर्कर हूँ। हमने इसलिए आज धरना दिया है क्योंकि हमारा 6 महीने से कोई पेमेंट नहीं मिली और हमने राहुल तनवर को इसीलिए बुलाया कि हमारी सैलरी सुलरी का कुछ करे ये लोग। बड़ोग पंचायत के प्रधान ने भी इस मौके पर कहा कि महिलाओं ने उन्हें कंपनी के खिलाफ शिकायत दी है और बताया है कि पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। वे इस पर तुरंत संज्ञान लेंगे और जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाएंगे। इन महिलाओं को पहले भी दूरभाष द्वारा मुझे अवगत कराया गया है तो मैं इनके मैनेजर MD से मैंने भी दूरभाष द्वारा बातचीत की तो आज मुझे इन्होंने एक लिखित पत्र भी दिया है कि इनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, इसमें हमारे जो प्रशासन उसकी कमी है। मेरे पास आज इनका रेजुलेशन जो भी एप्लीकेशन आई है मैं अपने पंचायत के माध्यम से उच्च अधिकारी को इस चीज़ से अवगत कराऊंगा और हमारी प्रदेश सरकार को बहुत ही शर्म की बात है और हमारी जो केंद्र सरकार है वो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है पर आज इन महिलाओं ने हमारे सामने जो अपने खून के आंसू रोए हैं, मैं अपनी पंचायत की तरफ से इनके लिए आगे तक लड़ूंगा और इनके एक एक आंसू का बदला लूंगा। इस मौके पर इटक युवा अध्यक्ष राहुल तनवर भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कामगारों के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी सूरत में महिलाओं के साथ शोषण नहीं होने देंगे। बड़े शर्म की बात है कि एक तरफ तो बीजेपी सरकार बोलती है
कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं के लिए वो स्कीमें निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ की महिलाएं का रो रो के बुरा हाल है, इनके घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इनको ना तो सैलरी मिल रही है, 6-6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, और इनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, इनको बीमार हो जाए, ये बीमारी के लिए कहाँ जाके ये अपना रोना रोएंगे। ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी, अभी तक क्या लेबर इंस्पेक्टर और हमारे जो लेबर ऑफिसर हैं वो अभी तक क्या कर रहे हैं? ये या तो ये मिली भगत से चल रही है, ऊपर से मुझे बोल रहे हैं, कहते जी मेरी तो सेंटर में दिल्ली में बहुत ज़्यादा चलती है, बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ के नेतागण मेरे साथ हैं सारे, इंटक इनके लिए आंदोलन करेगी जो भी हुआ। मैं खुद यहाँ पे नहीं तो अगर नहीं होता है कुछ तो मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठूंगा इनके यहाँ पे, और जो भी उचित कार्रवाई हो इंटक करेगी, इंटक इनके साथ खड़ी है। और मैं ये बोलना उनको ये एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी उद्योग, ऐसे बिना मजदूरों को पैसा दिए कोई भी उद्योग नहीं पनपेगा आज के बाद। मजदूरों का उनका हक भी देना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी सरकार बोलती है 14,000 हम 14,000 सैलरी करेंगे वर्कर्स की, 14,000 छोड़ो, यहाँ 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यहाँ पे सीएम साहब का प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे से इनको ले जाया जाता है, वहाँ मालाएं डलवाई जाती है, और जब सैलरी की बारी आती तो कोई यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इनका पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं होता।